पौध हमारी तैयार है। हालांकि ये पौधे बहुत छोटे हैं, लेकिन ये बहुत घने हैं, बहुत पास पास हैं। 5 अप्रैल को मैंने ये लगाए हैं, और उसके बाद जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी मैं आपको उसकी अपडेट देता जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि टमाटर आप अच्छे से देख सकें। इसके अंदर रखने हमने फ्रिज के अंदर, ताकि पानी नीचे से आराम से निकलता रहे, पूरा पानी भी ना निकले। ये तैयार है हमारी ट्रे पौधे लगाने के लिए, और अब हम इसमें पौधों को अच्छे से लगा देंगे। ये टमाटर की पौध हमारी तैयार है। हालांकि ये पौधे बहुत छोटे हैं, लेकिन ये बहुत घने हैं, बहुत पास पास हैं, तो मैं इनको पहले से ही, इसकी 3 पत्तियां निकल गई हैं, उसको मैं पहले से ही ट्रे में हम लगा देते हैं इसको। और ये ट्रे में लगे हुए पौधे फिर कब टमाटर लगेंगे मैं आपको इनको बताऊंगा। तो जैसे मैं इस ट्रे में सिर्फ टमाटर ही लगा रहा हूँ अभी, तो थोड़ा दूर दूर लगा देता हूँ कि टमाटर के पौधे ठीक से चलें। तो मैं केवल 4 पौधे इधर और 4 पौधे मैं इस तरफ इसमें लगाऊंगा। तो चार चार पौधों से मुझे लगता है ये टमाटर हमारे बड़े सही चलेंगे। और धीरे से इसको यहाँ से एक पौधे को हमने निकालना है, और फिर इसको पौधे को इस जो मैंने होल किए हैं इनमें से एक में रख देना है, और साइड से ऐसे मिट्टी को दबा देना है अच्छे से, हवा ना जाए उसके अंदर, ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर इसमें देखते हैं कि दूसरे पौधे की 3 पत्तियाँ किसकी हैं। तभी मुझे इसमें एक की और नज़र आ रही है, ये एक पौधा और है। बस इस ट्रे में इतने ही हैं जो ही पौधे हैं जिनकी 3 पत्तियां हैं। तो जिन पौधों की 3 3 पत्तियां निकलती जा रही हैं मैं उसमें से निकाल रहा हूँ, क्योंकि पौधे इसमें जैसे बताया मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो एक दूसरे ट्रे में भी मैंने ऐसे इसे प्लास्टिक के उसमें लगा दिए थे, तो उसमें भी 3 पत्तियां, ये देख सकते हैं 3 पत्तियां निकली हुई हैं। ये तो मैंने मिक्सर लगाया, इसमें टमाटर, इसमें बैंगन, इसमें मिर्ची, पर अभी हम सिर्फ टमाटर के पौधे ही इसमें से निकाल रहे हैं, क्योंकि टमाटर का पौधा रोपण आज है। और धीरे से इसको इतना दबा दें कि साइड में से पौधे में जड़ में हवा ना जाए, अच्छे से दब जाए। और इतना भी ना दबाइए तो बहुत नाजुक होता है, बहुत कोमल होता है। ऐसे ही हम पत्तियों वाले पौधे लेके इसके अंदर ये हम लगा देते हैं। इसकी 3 पत्तियां हैं, अर्थात वो पौधा और ग्रो करेगा अच्छे से। ये देखो जैसे इस पौधे की जड़ जो है वो छोटी सी है, इसको हम लगा तो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन है, हो सकता है ये लगे और हो सकता है ये ना लगे। उसके लिए क्या करें, इसके साथ ही एक दूसरा पौधा और लगा दें। तो ये जड़ का भी ध्यान रखना है, जिस पौधे की जड़ चलने वाली हो वही पौधा लगाएं, और जब लगे कि जड़ इसकी बहुत छोटी है शायद ना चले, शायद जहाँ पे आ जाए वो पौधा ना लगे, तो पूरी ऐसी जड़ को वो पौधा ही आप निकाल के इसके अंदर लगाएं। और फिर जब पौधे सारे लग जाएं, जब लगे कि आह टमाटर, जैसे 2 आगे तो 2 लगा देते हैं एक बार, और लगेगा कि पौधा एक सही से चल गया, तो एक पौधा उसमें से निकाल देंगे हम। तो कोशिश करनी है कि बड़ा पौधा हो, और घने जितने लगाए हैं मैंने इतने आप घने ना लगाए, ताकि फिर पौधे की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और फिर थोड़ी हमें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। हम कहते हैं हमने पौधे तो बड़े सही लगाए थे, लेकिन ये लगे नहीं, ये चले नहीं। उसका रीज़न यही होता है कि हमने पौधों को ठीक से, उसकी रूट को दबाया नहीं, उसको ठीक से पानी नहीं दिया, ठीक से ग्रो करने की जगह नहीं मिली। तो ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का। और ये टमाटर के पौधे इस ट्रे में हमारे तैयार हो गए हैं, अच्छे से लग गए हैं। और फिर किसी भी तरह से आप जिस भी तरीके से चाहें इनको अच्छे से पानी देंगे। पानी देने का प्रोसेस इतना ध्यान रखना है कि पानी जब ऐसे टब से दें, मग से दें, तो फिर हाथ रख लेनी चाहिए, ताकि इसमें खड्डा ना हो, पानी के जाने से इस पौधे के पास खड्डा नहीं होना चाहिए, ताकि उसकी रूट बाहर ना आए, जड़ बाहर ना आए। तो पौधा टमाटर के हमारे तैयार हो गए, पानी हमने इनको दे दिया सबको, थोड़ा पानी और दे देते हैं ताकि किसी की रूट जो है वो बाहर ना रहे। और जब इन पौधों की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे ग्रोथ होगी, कब फूल आएंगे, कब फल लगेंगे, तो मैं आपको बताता जाऊंगा। आज 5 तारीख है, 5 अप्रैल को मैंने ये लगाए हैं, और उसके बाद जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी मैं आपको उसकी अपडेट देता जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि टमाटर आप अच्छे से देख सकें। थैंक यू।